नाउ लेट्स रीच टू पॉइंट नंबर 19. क्या कहता है पॉइंट नंबर 19? पॉइंट नंबर 19 कहता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर रुपीज 15,000 ऑन क्रेडिट. याद है ऐसा तो करके आए सर, ये तो हम करके आए वापस नया पॉइंट. मैंने कहा नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट इसमें है जो प्रॉब्लमेटिक. एंड रिसीव्ड रुपीज 14,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मतलब 10,000 की चीज 15,000 में बेची, 10,000 की चीज 15,000 में बेची और सामने वाले ने बट बाद में पैसा कितना दिया 14,000. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को वैसे एक साथ ही लिखता बट कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं दो अलग अलग पार्ट में कर देता हूँ. मैं इसको लिख देता हूँ ये 19 का फर्स्ट वाला पार्ट और ये 19 का सेकंड वाला पार्ट, ताकि आपको समझ में आए कि ये दो अलग अलग पॉइंट पे हुए हैं, ऐसा नहीं लगे कि एक साथ ही है, दो अलग अलग पॉइंट पे हुए हैं. तो 1 एंड 2 दोनों का मतलब पहले वाला तो आता ही होगा, तो पहला वाला तो कोई डाउट ही नहीं हो सकता यार, इतना तो मुझे भी कॉन्फिडेंस है तुम पे. एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. सुनो मैं क्या कहता हूं, 10,000 का माल बेचे, बोलो ना आपका जो स्टॉक था, आपके पास जो माल पड़ा था कितने से कम होगा 10,000 से? मुझे बताओ ना, क्रेडिट में बेचा तो आपके पास डेटर नाम से एक एसेट आ जाएगा, याद आ रहा है एक ट्रांजेक्शन किया था, और 10 का माल 15 में भेजा तो 5 का प्रॉफिट हुआ. अब एक बार चेक कर लो, लाइबिलिटी और कैपिटल साइड 5,000 से बड़ी, एसेट साइड पहले तो माइनस हुई, पहले तो प्लस हुई मान लो 15,000 से, फिर माइनस हुई 10,000 से, दोनों बराबर है, दोनों तरफ नेट 5,000 से इंक्रीज हुआ, टैलीड है. अब मैं कहता हूं ये जो डेटर है ना, इसने हमें आगे जाके 14,000 ही दिए. सर ऐसा कैसा, माल तो 15,000 में बेचा था, उसके बाद जब पहुंचा ना तो हो सकता है हमने कम माल भेज दिया हो सकता है क्वालिटी खराब, उसने बोला मैं तो नहीं रखता, जा लेके जा ये बेकार क्वालिटी का माल, तो हमने उसको बोला चल छोड़ यार तू एक काम कर 15 मत दे, तू 14,000 दे दे. तो हमने उसको क्या किया, 15 की जगह 14,000 में ही माल भेज दिया, मतलब 1,000 कम रेडी हो गए मैं एक्सेप्ट करने को. व्हाट वी गोना डू, सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहां पे आपके जो एसेट, अब ध्यान से सुनना, आपका ये जो कैश है इसमें 14,000 आएगा, ये तो पक्की बात भाई. वो जब 15 की जगह 14 देगा तो मेरे पास 14 तो आएगा, आरस ने मैंने कहा मेरे पास डेटर, ये डेटर का जो बैलेंस था 15,000 ऊपर, अरे ये जो बैलेंस था ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये मुझे फ्यूचर में मिलेगा, मेरा एसेट है. बट भैया 15,000 अब तो मिल गया, या जो बचा है वो नहीं मिलेगा, समझने की कोशिश करो. 15,000 का माल हमने बेच, 15,000 में माल बेचा तो हमने डेटर बनाया 15,000 से कि हमें कितना मिलेगा फ्यूचर में 15. अब डेटर ने तो कहा मैं तो 14 ही दूंगा, तो 15 में से 14 तो आ गया, जो 1,000 है वो अब आएगा ही नहीं, तो मेरा तो एसेट पूरा 15,000 से कम हो जाएगा. और अब वो जो 1,000 नहीं आएगा, वो जो मेरा नुकसान है वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा. किसमें से माइनस हो जाएगा, कैपिटल में से माइनस, नुकसान है ना. अरे जो ये 1,000 का डिस्काउंट दिया आपने लिए तो नुकसान है, तो नुकसान जो भी होता है कहां से माइनस होता है, कैपिटल में. ये देखो अब दोनों देखो ट्रांजेक्शन, सवाल ही नहीं उठता कि तुम कहीं अटको इसमें, दोनों ट्रांजेक्शन अच्छे से गो थ्रू करो, क्लैरिटी है इसमें पक्का. तो 15 वाला कॉपी मारो या फिर सॉरी 19 वाला कॉपी मारो, उसके बाद समझते समझते कॉपी मारना, फिर अपन करेंगे 20th वाला पार्ट क्या कहता है. ये कहता है कि पहला वही सेम दो पार्ट में बांटता हूं, गुड्स परचेज
गुड्स परचेज वर्थ रुपीज 25,000 ऑन क्रेडिट। सबसे पहला तो इसको बताओ ना सर, ये तो आप करा चुके हो। मैंने कहा ये फर्स्ट पार्ट तो वही है जो मैं करा चुका हूँ, तो मैंने कहा और सेकंड पार्ट भी साथ साथ लिख देता हूँ ताकि समझ में आए यार क्यों करवा रहा हूँ मैं। पेड 22,000 इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट मतलब फुल एंड फाइनल, अब इसके बाद कुछ देना नहीं, इन फुल सेटलमेंट टू क्रेडिटर। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल क्लियर कट है फंडा इसमें, गुड्स परचेज वर्थ रुपीज 25,000 ऑन क्रेडिट। मतलब इसका क्या है माय डियर फ्रेंड्स, मतलब इसका यह है कि आपने 25,000 के गुड्स खरीदे उधार पे, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास जो स्टॉक है, अरे एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये तो अपने को पता ही है, फिर भी लिख देते हैं एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं ये लिख रहा हूं ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है बिल्कुल क्लियर कट आस्पेक्ट कि मैंने 25,000 का माल खरीदा तो 25,000 से मेरा स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया, 25,000 से मेरा स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया। दूसरा, मेरे कैपिटल का जो बैलेंस है, मेरे कैपिटल का जो बैलेंस है उसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं आया, बट यस मेरा क्रेडिटर का जो बैलेंस था वो 25,000 से बढ़ गया। अरे 25,000 का माल उधार में खरीदा तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी 25 से, मेरा स्टॉक भी बढ़ेगा 25 से। अब मैं अगले वाले एडजस्टमेंट में कहता हूं कि हमने 22,000 रुपये दिए और हमने कहा कि हम फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, मतलब 25,000 की जगह कितने दे रहे हैं सिर्फ 22। तो सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा देखो इसका मतलब ये है जब आप अपना एसेट बनाओगे तो आपके एसेट में से जो कैश जाएगा वो जाएगा 22,000। सर 22 जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल। सर कैपिटल में, मैंने कहा अभी बताते हैं, मैंने कहा लाइबिलिटी, अब ध्यान सुनो लाइबिलिटी का मतलब क्या था, जो पैसा तुम्हें देना है। सर पहले तो एक बार ये बताओ ना, कोई आदमी हमसे कम क्यों लेगा, जब उसने माल दिया 25,000 का तो वो 22,000 क्यों लेगा, हो सकता है माल में कुछ खराबी हो सकता है गलत क्वांटिटी भेज दी हो सकता है रॉन्ग स्पेसिफिकेशन भेज दिया, बहुत सारे कारण होते हैं। मैंने कहा 22,000 का हमने पेमेंट किया, मुझे एक चीज बताओ 25,000 की जगह 22,000 का पेमेंट करोगे तो 3,000 का बेनिफिट होगा ना। अरे यस कि नो, पहले वाला क्वेश्चन देख, पहले वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमने 1,000, हमें 1,000 कम मिले थे तो नुकसान था, यहां पे हमने 3,000 कम दिए फायदा है, और यहां पे क्या हो गया, डू वी हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टोरी गाइस, डू वी हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टोरी, समझ में आ रहा है बेटा इसमें क्या है, कोई डिफिकल्टी है इसमें अपने को, पक्का सेट हो गया इसमें, दिमाग में सेट है अच्छे से, चलो कॉपी मारो।